जो मार्केट में होना था वो हुआ है या फिर करवाया है ये तो आप सब जानते ही हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा उनको ऐसा लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगेगा ये कि मैं एकदम सच बोल रहा हूँ और मैं तो एकदम सच ही बोलूँगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। मार्केट में कल क्या होगा, अदानी क्या आपका पैसा डबल कर देंगे, मतलब अदानी के स्टॉक्स इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई सा भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी गिरा है, या फिर आप किसी स्टॉक्स को बाय करने की सोच रहे हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। देखो, आप क्वालिटी स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो उनको बाय करो, लेकिन बजट को सुन के। शुरू में ही निफ्टी 50 के जो इंडेक्स, ऐसा नहीं करना है आपको कि निफ्टी 50 ओपन हो जाए थोड़ी सी पॉजिटिव 30 40 50 पॉइंट या 100 पॉइंट तो आप एकदम जो है मान लो 1% ही निफ्टी 50 पॉजिटिव ओपन हो जाती है कल को। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हो ही जाएगी, हो जाती है तो आप क्या करेंगे ट्रेप होने के लिए, काफ़ी लोग यही करते हैं, हो जाती है तो आप बोलोगे भैया आज तो बजट बहुत बढ़िया आने वाला है और मार्केट पॉजिटिव है, चलो अपन कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं, चलो अपन ये स्टॉक्स में इंट्राडे कर लेते हैं या फिर स्टॉक्स को ही बाय कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, अगर बजट गलत आ जाएगा तो आप वापस से बहुत नीचे आ जाएंगे। अगर ऐसा होता है, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है क्योंकि जो मार्केट भी पॉजिटिव है और गवर्नमेंट माहौल और नहीं बिगाड़ना चाहेगी क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहिए। आप सबको यार पता ही है कि क्या हो रहा है मार्केट में, किसकी वजह से अदानी के शेयर बढ़ रहे हैं, आपको पता ही है ना आप क्यों बाय करते हो अदानी के शेयर, आपको पता है सपोर्ट मिल रहा है अदानी को तो फिर क्यों नहीं बाय करोगे। अब इसी चक्कर में अदानी जी के अगर हम शेयर की बात करें तो वो बढ़ रहे हैं, अब वो उनको बढ़ रहे हैं या बढ़ाया गया है, मतलब खुद से भी बढ़वाया गया है, वो अभी तक साबित हुआ नहीं है। जब तक देखो गुनहगार को आप तब तक गुनहगार तो मतलब किसी पे आप इल्ज़ाम लगा सकते हो किसी भी चीज़ का, लेकिन जब तक वो साबित ना हो जाए तब तक वो गुनहगार नहीं होता है, ये आपको पता ही है। तो जब साबित होगा, जबकि जब देखा जाएगा, अभी सब कुछ पॉजिटिव है और पॉजिटिव रखने की कोशिश की जाएगी, तो अब हम देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, जो मार्केट है ना ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसको सब पता है। ठीक है, इसको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। जब भी आपको ये जवाब मिला है कि अदानी जी भैया टॉप 3 इंसान थे दुनिया के सबसे, मतलब टॉप 3 में आते थे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में, अब टॉप 10 से बाहर हो गए हैं, इतने जल्दी हो गए हैं और इतने जल्दी टॉप 3 में भी आए थे, जितनी तेज़ी से आए थे उससे कई गुना तेज़ी से वो हैं जो है टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। तो अदानी बबल आपने सुना है, आपने गूगल यूट्यूब पर सर्च करा होगा अदानी बबल। मैं आपसे पूछता हूँ, कभी आपने ये सर्च करा है YouTube या Google पे टाटा बबल, रतन टाटा बबल, ये आपने सर्च ही नहीं करा होगा क्योंकि आप सबको पता है कि जो रतन टाटा है वो एक लेजेंड इंसान है। ठीक है, कोविड के वक्त 1500 करोड़ रुपए दान किया था भाई साहब। ठीक है, तो जो रतन टाटा की कंपनी है और अदानी ग्रुप की कंपनी है, दोनों में से ही अगर मैं एक बेचारे गरीब इंसान या फिर नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करूं और आप मेरे से पूछो कि किस में इन्वेस्ट करना बेटर है, तो मैं भाई साहब आपको बताऊंगा कि आपको रतन टाटा या फिर टाटा ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उनके जो स्टॉक्स हैं उनके गिरने के चांस बहुत कम रहते हैं, थोड़े मतलब ऐसा नहीं कि वो गिर ही नहीं सकते लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं गिर सकते भाई साहब। आपको टाइम दिया जाएगा कि हाँ शेयर गिर रहा है तो आप निकल सकते हो। अब अदानी के शेयर एक एक मतलब दो दो तीन तीन में 40-40% साफ हो गए हैं। अब जिसने सबसे ऊपर वाय करा था, मान लो किसी ने सबसे ऊपर ही 1 लाख इन्वेस्ट करके रखे थे, वो सोच रहा था कि शेयर 5000 का होगा, उसकी तो लाइन हो गई है ना। तो इस प्रकार से ये माहौल चलता है, शक उसी पे किया जाता है जिस पे उम्मीद होती है ज़्यादातर, किसी किसी बेकसूर पे भी कर लिया जाता है। लेकिन इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि हम अदानी ग्रुप को एकदम वो बोल दें कि अदानी जी, पहली बात ये कि अदानी जी भगने वालों में से नहीं है और दूसरी बात ये है कि अदानी ग्रुप पर भली कर्जा भी हो लेकिन उनके जो एसेट्स हैं वो भी हैं, कंपनी भी है, तो कल को वो भाग भी जाते हैं तो गवर्नमेंट सब कुछ बेच देगी और गवर्नमेंट देश में कुछ नहीं डूबने वाला। लोग कह रहे हैं न्यूज़ चैनल पे SBI डूबेगा, ये डूबेगा, LIC डूबेगा, भैया LIC के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि बस आप पूछो ही मत। उन्होंने सरकार ने लगभग 3-4% या जो भी हिस्सेदारी बेची है उससे LIC नहीं डूब सकता है भैया, बहुत सारा जो मतलब LIC के शेयर LIC खुद के पास है। ठीक है, और डायरेक्ट सपोर्ट जो है गवर्नमेंट से है। आपको मैं सीधी बात बता दूँ,
इंसान को सबसे ज़्यादा भरोसा उसकी गवर्नमेंट पर ही होता है जब भी हम उसको वोट देते हैं। अब देखो वो कुछ काम ऐसा है कि मान लो किसी के हिसाब से सही भी कर सकती है, किसी के हिसाब से गलत भी कर सकती है, थोड़े गलत भी कर रही है, तब भी लोगों का भरोसा उसी पर रहेगा कि अब वो अच्छा करेगी या नहीं देश के लिए, वो ये करेगी। और मोदी सरकार ने ऐसी बात नहीं है, देश के लिए काफ़ी काम भी करा है। तो मैं 100% देखो आप किसी भी गवर्नमेंट को ब्लेम देना ठीक नहीं है। मैं तो कांग्रेस की भी बोलता हूँ सीधी बात कि कांग्रेस भी कोई गारंटी नहीं है कि इस बार अगर वो बन जाती है तो कैसा काम करे, कुछ हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, सीधी और सरल बात, जब तक हमारे सामने रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। अब रिजल्ट अदानी जी का हमारे सामने जब आएगा, जब कोई बड़ी रिपोर्ट आएगी किसी की तरफ से, या तो वो सेबी की तरफ से आए या फिर आरबीआई की तरफ से आए या फिर गवर्नमेंट इस पर कुछ विचार करे। गवर्नमेंट तो बस बोल ही सकती है, इसकी जाँच होगी तभी इसकी असली रिपोर्ट आएगी। अब रिपोर्ट जो आ रही है उस पर कितना विश्वास करना है नहीं करना है ये आप डिसाइड करोगे, मेरे को डिसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अपने पास तो अदानी जी की कोई शेयर ही नहीं है। अपन तो मतलब ऑप्शन ट्रेडर हूँ मैं ज़्यादातर, और लॉन्ग टर्म में मैं म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इतने दूर के लिए इन्वेस्ट करता हूँ कि मतलब मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है कि मार्केट अगर कल को क्रेज भी कर जाए ना तो मुझे ना अपनी होल्डिंग्स बेचना है ना कुछ करना है। मेरे को बस मार्केट में ट्रेडिंग जब मैं करूँगा तो मेरे को ये देखना है कि मार्केट यहाँ से गिर रही है बढ़ रही है, बस उसमें अपना प्रॉफिट निकाला अपना काम हो जाता है। और उसी में से अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो अपन लॉन्ग टर्म का प्लान सोच सकते हैं और अपने को जो अपना सेटअप है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि एक क्वालिटी कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। बस हमारा इसमें इतना ही काम है, इस मार्केट से हमको बस इतना ही चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा आप मुझको सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।